नगरिया माँ का हो रहो का हो रहो अवधि नगरिया माँ का हो का हो रहो और का हो रहो अवधि नगरिया माँ का हो रहो मुझे लगता है कोई ना कोई खुशी अवश्य होगी। गलियां गलियां चौकी पूरे हैं, गलियां गलियां और चौकी पूरे हैं, गलियन गलियन चौकी पूरे हैं, गोरे फोरन चाहत जटरिया ही बता कछु हो रहो का हो रहो ये अयोध्या में का हो रहो को नहीं पूछ सको रहो आए मैं जाने कब से पूछ रही पूछे सी लोगन कहा उठाऊ ए बेटा होरी लाल का हो रहो अयोध्या में कहे गई अरे होरी लाल कोई पता नहीं है हां मुही पता नहीं है 14 दिन हो गए हैं सजा सजा 14 दिन और क्या अरे 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 14 दिन में तो यहां जा दिखान है हां 14 दिन तक कहाँ रहो है अपने घर में बन रहो है सिंचाई लगी रही है सिंचाई कर रहा तो करत रहो 14 दिन से अयोध्या चल रही है लेकिन ऐसा है राम जी का जो है राज्य तिलक होने जा रहा है का कहेश हाँ राम जी का और क्या राज तिलक हाँ तो दिमाग खराब तो नहीं है अरे नहीं भाई फालतू की बात करता कह रहा राम जी का रात तिलक हो रहा हाँ। अरे मैं महारानी जी की खासम खास दासी हूँ हाँ। अगर ऐसी कोई बात होती हाँ। अगर हमारे महलों में ऐसी कोई बात होती राम को राजा बनाया जाता तो मुझे तो खबर होती भला मैं महारानी जी की खासम खास दासी हूँ और मुझे ये भी पता नहीं कि राम को राजा बनाया जाता है ये सही आप लोग देख रहे हैं मंथरा जी का सुंदर बने प्रभावित हुए हमारे धर्म कुशवाहा जी हलवाई आपकी ओर से किस पद मुद्राएं मंथरा जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान है बहुत बहुत धन्यवाद साधु सत्य बताओ हाँ सही सत्य है राम तिलक हो रहा और क्या ठीक है जाओ राम जी का राम तिलक हो रहा है ये क्या करती हो राम तिलक ऐसे नहीं कैसे राम जी राजा बनेंगे उठा के मेरे होते हुए राम जी अयोध्या के राजा नहीं बन सकते मेरा भी नाम मंत्रा है
मैं भी देखती हूँ राम जी अयोध्या के राजा कैसे, जाती हूँ अभी पंडित के पास, किसी पंडित से बिछवाऊंगी। करई विचार वो बुद्धि को जाती होई अकाज कवन बिधिरा। पंडित बाबा, ए पंडित, ओम सटक नारायण सटक नारायण सटक नारायण हरि हरि हरि। ये सटक नारायण पंडित आ मिला, जोन मिले तो सब सटक नारायण पंडित मिला था, झटक नारायण सटक नारायण झटका हुआ सटका चला गया। ए पंडित बाबा। अरे कौन? हम हैं मंत्रा। अरे मंत्रा भौजी। अच्छा बारे देवर या देवारा मोर ये बारे देवर। अरे मंत्रा भौजी नहीं, मंत्रा दाई बोल। अरे कैसे बोल दे, जब मंत्रा भौजी हो तो भौजी बोला जाए। अरे तोरे बापा की भौजी रहा तोर। अच्छा तो का हुई का? पंडितन में सब चलत तोरे? हाँ पंडितन में सब चलत। हाँ सही है, पंडितन में सब चलत, गड़बड़ गड़बड़ सब चलत है पंडितन में, सब सुधरात है। ए पंडित सुने, बताओ। मैं तोरे लगे आई हूँ। कहे के लाना? अरे तू कुछ विचार वाय वचवा के हम हुई। अच्छा हाँ विचारे आई है, का बिछवा में आई है? का बिचवाए आई हूँ? हाँ। अरे कोनू सियाद बिचवाए आई हूँ। लेकिन मैं इसे न बिचुरी हूँ। कैसे बिचुरी? अब एक दिन आई रात पैसा ऐसा कुछ देत नहीं चली जात। अरे नहीं मैं मूंग की दाल भिजवा दई हूँ। अरे मूंग की दाल नहीं होती, मूंग की दाल होती है। मूंग की दाल भिजवा दई हूँ ना, अब काम नहीं चलेगा, पहले का उधार पड़ा पहले वो चुकाओ। पन्ना सीधा आधा लत्ता पत्ता सब भिजवा दई। लत्ता नहीं चाहिए हमें, लत्ता कुत्ता जो कुछ चाहिए वो रखे। नहीं साल बताओ, राजा की महारानियों की दासी होकर उधारी करे रहती है, पैसा नहीं देती है। अरे पंडित मान जा मोई बात। बिल्कुल न मानब, अगर विचार दे ना हाँ। तो मैं तो ही माला माल कर दई। सही बता। सही चलो हम विचारने को तैयार है, लेकिन पहले माला माल करो। पहले थोड़ा ना, पहले विचार के बताओ। कार्य तुम्हारा बनेगा, ये सिद्ध होगा, ये हमारा प्रण है। चलो तुम कौन से पंडित आओ? हम शुक्ला। शुक्ला है, बरेदी भी होते हैं? नहीं बरेदी नहीं, दुबेदी होते हैं। दुबेदी होते हैं? नहीं। और खिसरा? क्या खिसरा भी होते हैं? नहीं खिसरा नहीं, मिसरा होते हैं। मिसरा भी होते हैं, फाटक भी होते हैं। अरे पाठक होते हैं। पाठक? हाँ वही तो मैं कहा, तुम फुकला हो। नहीं फुकला नहीं, शुक्ला। शुक्ला हाँ। महाराज विचार दे। विचार देंगे, लेकिन समसो समस्या ये है। बैठ जाओ भाई। हाँ भाई जाओ भाजी, सुनो तो विचार ये है। मैं बहुत दिन में कोकी लगे बैठी हूँ, हाथ तक नहीं बैठी हूँ। हथियार ना दूर रहे? कहे ना मैं हाथ हथियार नहीं। अच्छा दूर रहे? दूरी से तो बहुत दिन में आई हो, का बात आई हो मैं बताऊँ? चिंता है तुम्हारे मन में लग रही है, तुम्हारी मस्तिष्क रेखा बता रही है। क्या? कि तुम बहुत चिंतित हो। चिंता ना होती। सुनो तो पास का आती, तुम जिसके साथ अच्छा करती हो वह तुम्हारे साथ बुरा करता है। तो करने दो, मुझे क्या मतलब? करने दे, मैं तो अच्छा ही अच्छा करूंगी। अच्छा तुम अच्छा करोगी, मैं बुरा नहीं तो लाओ पहले इसके नेंग दो, फिर इसके बाद बिछराई चालू की जाए। हाँ नेंग मिल जाएगा? नहीं ऐसे नहीं। चल पंडित का कोई एक रुपया दे दे चवन। एक रुपया में काम ना चली, लूला दस ना लिया पंडित को दे दिया। बहुत लालची हो पंडित। कहे लालची कहे हो तो हमारा नेंग आ भैया। चल मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। दक्षिणा ना दे यो का? चल उठा के दे दे मैं जी, अभी दक्षिणा मैं जी का पेट भर जाएगा। ले आया दक्षिणा, ले लिया लिया ये दक्षिणा है का लिया ला थी का देख ली। 10,000 आ पूरे दे हैं, दे 10,000 आ रख ली। चलो अच्छा चाहती क्या हो? मैं आ चाहता हूं। क्या? या पत्र में देख। क्या देख लो? महाराज के चार लड़का है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनके चार में राजा को बनी को योग है। अरे राजा तो राम बन रहे हैं। तो दिमाग खराब है पंडित। कहे वह तो राम राजा बन ही रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं यह पूछो चाहता हूँ कि यह पत्र में अच्छा कोई दूसरा भी बन सकता है कि नहीं? कि रामन जी की योग है कि और कोनू की योग? अच्छा ये पूछना चाहती हो कि राम के अलावा कोई दूसरा भी बन सकता है? कोई बुद्धि में भूसा भरो है तो मैं क्या करूं? अच्छा सुनो मंत्रा भौजी, ये जो पत्रा है इनमें जो चौखाने बने हैं, एक खाने में उंगली रखो आंख मीच कर। दिमाग खराब है।
कहे अंगुली मीच के आप कैसे रख दूंगी। अरे ऐसे करके ऐसे धर दो। अच्छा आंख मीच कर। अरे मेरे ऊपर नहीं, पत्रा में रखना। अच्छा पत्रा में ले। अरे बस 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 रुक जाओ, तुम्हारा कार बन सकता। बन सकता हाँ। कैसे? अगर कोई छल किया जाए तो राम राजा ना बनकर भरत राजा बन सकते। कैसे कैसे कैसे? कोई छल किया जाए, वो भी कैसा? क्रिया चरित्र छल किया जाए। क्रिया चरित्र हाँ। ठीक है जा, इसमें तो तुम निपुण है। मजाक मजाक पंडित, अपने घर में सीधे इधर भिजवा दई हो मत। अब मैं जाती हूँ महारानी केकई के पास, देखती हूँ कैसे राम बनता है राजा। महारानी अरे दैया मोसे भला त्रिया जन को जाने का। अरे मोरी महारानी दैया भारत मात पहि गही बिलखानी का अनुमनि हस कह हस रानी। अरे मोरी दैया आज मैं क्या देख रही हूँ? दासी मंत्रा जब भी मेरे समीप आया करती थी, मेरे पास बैठा करती थी, मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज दासी रुदन कर रही है, बालों को बिखेरे है, नागिन जैसी फुसकार लगा रही है, गालों को फुलाए है, क्या कारण है? मैं दासी के पास जाऊं? अरे तैया दासी से पूछो। अरे महारानी मैं तो लुट गई मर गई तैया। दासी मुझे ना बोलो महारानी। ए दासी मुझे बड़ा कष्ट है महारानी। क्या हो गया तुम्हें? तुम दूर रहो, मुझे लग रहा है मैंने ये सुंदर श्रृंगार बहू सीता से करवाया। नित प्रतिदिन मैं मंत्रा से श्रृंगार करवा करती थी, आज मैंने बहू सीता से श्रृंगार करवाया, इसलिए तुम उससे नाराज है। ये कोई बात नहीं है ना, ये बात नहीं है। तो बात क्या है? मुझे लग रहा है लक्ष्मण ने शरारती है, उसी ने कुछ सीख दी होगी तुम्हें। बढ़िया बोलता है तो। इसमें भी नहीं तो बता दासी, सब प्रकार की कुशलता है ना। दी नली उपतासु नारी चरित करे धारैया सु। सभी प्रकार की कुशलता है ना। कुशलता कहो क्या कारण है? ये गालों को फुलाए है, नागिन जैसी मुस्कान लगा रही है, अच्छा नहीं लग रहा, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। देखो ना हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं। और हम सब ने और ये गुथाए तो पर तूने क्यों बाल बिखेरे जो तू रो रही सगुन सायत ये कैसे लचड़ तेरे जो तू रो सौगंध है। तू बता तुझे क्या हो गया, किस कारण से रो रही है तू? महारानी आप कह रही हो कि तुम्हें किसी ने मारा है, भूखी हो प्यासी हो, कौन
सा कष्ट है तुम रो रही हो। महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है, राम मेरा बेटा राम कुशल से है, महाराज कुशल से है, लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सीख तो नहीं दी, भला मुझे भला कौन सीख देगा। कत सीख दे हमें को माई, गाल गर्व के करबल पाई, भला हमको कौन सीख देगा। महारानी जी ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए। हे घर घर में है धूम और राज तिलक है, राज करानी तुम्हें नहीं मालूम। राम का राज तिलक हो रहा है तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे साथ कितनी चतुरता भाई, गंभीर बनता भाई बात हो रही है और तुम कह रही हो महारानी कि दासी तुम्हें क्या हो गया। चतुरता भरी बात, हाँ ये क्या कह रही हो। जिसका कल होगा रानी ये राज तिलक तो मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। अब इस चालाकी को देखो रानी रानी मोरी महारानी, इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। ननहाल भरत को भेज दिया, देख रही हो, अरे ननहाल भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते। महारानी अधिकार उसी को देते हैं, राम को महाराज राजा बना रहे हैं और तुम कह रही हो दासी तुम्हें क्या हो गया, तुम तो महलों में रात दिन सोती रहती हो, तुम्हें क्या नींद बहुत प्रिय से तुराई, लखनऊ न भूत कपट चतुराई। जो महाराज कपट भरी बातें आपसे कर रहे हैं, कपट तब का व्यवहार कर रहे हैं, तुम नहीं समझ रही महारानी। क्यों पलका में सो रही सयानी और ओ रानी अरे पलका पे ये पलका पे सो रही सयानी तो मैं कचू सूझे न पलका पे सो रही लाल ननिहाल पठाई दियो रानी कौशल्या महारानी। जैसे तुम कहती हो मेरी बहन है, मेरी बहन है। जब मैं जाती थी महारानी पेणा तो बड़े आराम से कहती प्रसन्न रहो कौशल्या प्रसन्न रहो, और जब मैं आज गई मैंने कहा महारानी पेणा खुशी रहो खुश। मारे गर्भ के वो भूली नहीं समा रही कौशल्या जिसको तुम दीदी दीदी मानती हो। भरत लाल नन हाल पठाई दियो, भरत लाल नन हाल पठाई दियो कौशल्या की चल रही मनमानी, कौशल्या की चल रही मनमानी तो मैं कचू सूझे न रानी। पलका में सो रही सयानी तो मैं कचू सूझे न
तासी तू बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी है। क्या करूं, तू क्या सोच रही है? अनबल देखना चाह तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं अनबल नहीं देख सकती ना तुम्हारा। तू जानती है जा रहे जोगा, तू जानती होगी महारानी मेरी बात सुन रही है तो बहुत प्रसन्न हो रही होगी। हाँ, क्यों नहीं प्रसन्न होगी, मैं प्रसन्न वाली बात कर, बहुत अच्छी बात कर रही हूँ। मैं कभी नहीं झूठ बोलती। करम जली कहेगी क्या, क्या कह रही हो? तुष्टा मुझको घर फोड़ी मैं जिस लज्जा नहीं आती इसी बात करती है। किस बात की? करम जली मार डालूंगी जान से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तुष्टा कहेगी मार डालूंगी जान से। तब धर जीप मैं से बात करती और चल निकल यहाँ से, चल डालनी चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। और किसने तेरी मत मारी है जो सच रुई की तेरी को आई बनकर चिंगारी है। जिस छर तुझको मोह मांगा कि महारानी के पास जाऊंगी, खुशखबरी सुनाऊंगी तो मुझे कुछ पुरस्कार देगी। अब मुझे क्या पता कि मार के पास हार देगी। अब कह रही है महारानी मैं तुम्हें हार दे रही हूं, कह रही है घर फोरी, तू मेरी घर फोड़ने वाली है। महारानी अब नहीं बोलूंगी मैं, ऐसा ना हो मैं घर फोड़ी मेरा नाम रख दिया तुमने, अगर कुछ बोलूंगी तो ऐसा ना तो पूरा 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 घर फंसक जाए तुम्हारा। दासी दासी इस माल की लालची नहीं है महारानी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, ये दासी लाल चिन माल की है हार भरत की और जी उस पर राम लाल की है। बलहारी ऐसे उस्तो की, बलहारी ऐसे उस्तो की जो देश देश हो बड़े पुत्र का राज तिलक तो बेटे मामा घर के हो। इसलिए महारानी जी अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये हार रखिए, क्या फायदा
ऐसा न हो मैं तुम्हारा बना बनाया घर फोड़ दूं, फसक जाए। तुम दब जाओ पीछे से। मैं तू तो जानती है कि मैं तुम्हें सपने भी क्रोध नहीं करती। क्रोध न हो जब मां लाठी। लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे वचन कहे कि आज जो मुझसे सहन हुए, मैंने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दिया। मैंने ऐसा तुमसे कुछ कहा भी नहीं है। बहुत कुछ कह दिया तुमने। अच्छा, वो मुझसे सहन नहीं हुआ। तू तो मेरी प्रिय दासी है ना। और प्रिय बात नो सिखा दी न हो तोली। दिनो सिखो दिन तो ही सिखो दिन तो ही सपना हो तो पर को बोही सपना हो तो पर को बोही सुनत सुमंगल जा दिन हो सुनत सुम राम राजा बन जाएगा तो ये तेरा कुबड़ है ना, ये सोने से बढ़वा दूंगी। फिर तू तो जानती हमारी वंश की परंपरा। ज्येष्ठ स्वामी से वकील भाई जेठे पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। तू ऐसी बातें कर रही है। तू तो जानती है मैं राम को कितना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ राम जैसा बेटा सबको दे, सीता जैसी बहू सबको दे। लेकिन तू आज ऐसे कड़वे वचन क्यों कह रही है? महारानी अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। काहे बोलूंगी? तुम कह रही हो अगर दोबारा बोलेगी तो तेरी जीभ कटवा लूंगी। अगर जीभ कटवा लोगी तो मैं बौरी ना हो जाऊंगी। जिससे बात करूंगी बड़बड़ करती रहूंगी। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं जब दूसरी जीभ निकलवा लगवा लूंगी, जब कोई नई जीभ लगवा लूंगी तभी बोलूंगी। आपने कहा राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं। तो महारानी जी तुम्हें भी राम प्यारे हैं, तो मेरे राम दुश्मन नहीं है। मुझे भी राम प्राणों से प्यारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महारानी है किसकी ऐसी गरज पड़ी जो तू अपना नुचवाऊगी। दोनों में कोई राजा हो, ये दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। क्योंकि महारानी कौन प्रभोई हमें कहानी। और कौन प्रभोई कौन राजा बन जाए, चाहे तुम्हारा बेटा भरत राजा बन जाए चाहे राम राजा बन जाए, मैं तो दासी रहूंगी, मैं तो महारानी बनना चाहूंगी। महारानी कौन प्रभोई हमें कहानी और चेरी छाने हो बिकीरानी, चेरी छाने हो बिकीरानी।
तो स्वभाव चार में जोग है, तुम्हारा अनुभव नहीं देख सकता ना, सकती ना मैं, क्योंकि चारे जोग स्वभाव हमारा, अनुमल देख न जाए तुम्हारा, तुम्हारा में अनुमल नहीं देख सकती महारानी। दासी तू तो जाती है, सुन मेरी दासी, अरे मुझको समान है और ये राम भरत, और यह एक पेड़ की साखे है, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। दुलारा है तो जी का भरत तो, दुलारा है तो राम नयन का तारा है तो जी का भरत तो, इसलिए दासी तू भरत को ज्यादा चाहती है ना, तू ऐसे कुछ ना कहेगी, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, भरत सपत तो सत्य कहो पर हर कपट दुराओ, हरस समय विस्मय करिस कारण है, मोई सुनाओ दासी तुझे भरत की सौगंध है। कभी भरत की सौगंध देती हो महारानी, कभी अपनी सौगंध देती हो, अगर तुम कहती हो तो मैं कह रही हूं, लेकिन अब ना मारना, अब मार दिया तुम्हें यहां से चली जाओ महारानी। आप कह रही हो कि भरत और राम मुझे दोनों प्राणों से प्यारे हैं, मैं मानती हूं कि आपको राम भरत दोनों प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन रेख खिंचाए कहो भलमाखी, भाम नि भयो दूध में माखी, मैं आज रेखा खींच के कहती हूं, जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल के फेंकते हैं देते हैं, इसी तरह तुमको तुम्हारी कौशल्या सौतन, मैं तो सौत कहूंगी एक बार नहीं बार बार सौत कहूंगी, तो मुझे चाहे मार डालो वो तुम्हें इस तरह निकाल दे जी, जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल देते हैं, सुना होगा महारानी। महारानी तुमने एक बात सुनी होगी, दो बहनें थी कद्रुआ और बिंदा, सगी बहनें थी और दोनों बहनें महाराज को बिहाई थी, बड़ी विनीता और छोटी कद्रू। कद्रू ने विनीता को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया कि सगी बहन ने जंगल में निकाल दिया सोतर। तो महारानी तुम तो अलग अलग देश की हो, अलग अलग राज की हो, इसलिए मानो मानो, अरे महारानी मोरी बात है, और चूनो की सौतन होते बुरी रे, मानो मानो महारानी मोरी बात, चूनो की सौतन होते बुरी, सौतन तो आटा तक की अच्छी नहीं होती, अगर कहूं धोखे से नमक पड़ जाए और आटा की सौतन और चूल्हे में सेको को फटा के तो वो आदमी फूट जा रहे, इसे आटा की सौतन अच्छी नहीं होती। अरे मानो मानो ये महारानी मोरी बात, चूनो की सौतन होते बुरी रे, मानो मानो महारानी मोरी बात, कद्रुविनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, कद्रुविनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे,
भरत बंदगी से ही है राम लखन के रे बे मानो मानो रे महारानी मोरी बात और चुनो की सियोतन होते बुरी चुनो की सियोतन होते बुरी नहीं करोगी तो सुनो महारानी जो सुत सहत करो सुलकाई अगर जो सुत के सहत तुम बहन कौशल्या की सौत की चाकरी करोगी तो तुम अयोध्या में रह पाओगी वरना तुम्हारा भरत बंदीगे में पड़ा होगा तुम और चक्की चला रहा होगा बस साधु जनासी हम कहा करें कहा मैं जीते जी मर जाऊंगी तो सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी फिर लेकिन उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी दासी तूने ठीक कहा दासी तूने ये ठीक कहा अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है गैर गैर ही होता है महारानी जी होता है ना तू बुद्धमती है बूढ़ी है बुद्धि बुद्धि तू बुद्धमती है बूढ़ी है तू ही मार्ग बता मुझको वो भरत लाल का रास्ता वो सरल उपाय बता मुझको वाह बड़ कुघात कर बात की कहत कोप ग्रह जा महारानी आप कह रही हो बुद्धमती हो बूढ़ी हो तू ही मार बता मुझको वरदलाल को रात तक सरल उपाय बता मुझको जी ऐसा उपाय बताओ कि अयोध्या का राजा भरत बने जी मैं तो यही चाहती कि तुम पूछो लेकिन तुम पूछो मैं धरे मोर घर फूरी ना हो लेकिन मैं डरती हूँ सच्चा कहने में क्योंकि कड़वी बातें बुरी लगती हैं तुम्हें ऐसा ना हो कि सच्ची बातें मैंने कह दी तुम तो तू अब तो मैं बच गई दोबारा मैं तो मार के फैला दे अब मैं कुछ ना करूंगी दासी अकेली हूँ जरा ध्यान दिया जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी तुम्हारी कहने पर मैं हर चीज कर सकती हूँ क्या कर सकती तुम्हारी कहने पर अपने पति का त्याग कर सकती हूँ पति को त्याग जी तुम्हारे कहने पर अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ और तुम्हारे कहने से मैं कुएं में गिरकर अपने प्राण भी दे सकती हूँ महारानी ना तो मैं किसी कुएं में गिरना है ना पति को त्यागना है ना पुत्र को त्यागना है पति को त्याग दोगी तो तुमको सब कोई क्या कहेगा क्या कहेगा पति को त्याग दोगी तो कोई संसार भला अच्छा कहेगा कोई अच्छा नहीं कहेगा सब कोई कहे बाण है बाण पति को छोड़ के भाग गई पुत्र को त्याग दोगी तो संसार तुमको ठीक नहीं कहेगा सब कोई कहे बांझ है बांझ बांझ कही बांझ का नाम धर दे अगर कुआं में गिरोगी मर जाओगी क्या होगा कुछ नहीं ना तुम्हें कुएं में गिरना है और ना तुम्हें किसी हैंडपंप में घुसना है तो टुल्लू पंप से सीधे निकल के टोटी के अंदर आना है मेरे कहने का मतलब तुम्हें कहीं नहीं जाना है अब तुम भटको नहीं तुम जाओ लेकिन सच्चा भूपत तुम्हारे दो वरदान महाराज के पास है जी दुई वरदान भूप समथाती मांग आज जुड़ा बहू छात तुमने मुझसे बताया था कि दासी महाराज ने मुझे दो वरदान दिए हैं देवासु संग्राम में कहा था ना आज मुझे याद आ गया तो वो दो वरदान क्या क्या सोता ही राज राम ही बनवासु लेहु देहु सब सोवते होला छिल्लो कौशल्या का सोचे अब ऐसे नहीं कैसे मांगोगी भूपत राम शपथ जब करही तब मांगो ये वचन न डरही जब महाराज राम की सौगंध खा जाए राम की सौगंध खिला लेना तब वरदानों को मांगना वो उतरेंगे नहीं वो तुमको दे देंगे अवर नहीं और सुनो ये अमकम झमकम साड़ी आड़ी ये सब उतार करके फेंक देना और सुनो ऐसे नहीं मांगना कहाँ जाना है लेकिन दासी मेरी बात सुनो okay.
तुम कह रही हो अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज और राम के लिए वनवास है, वो भी कितने दिन का? 14 वर्ष का। राम का दोष क्या है? अब दोष देखती हो तो बनी रहो अपने घर में, वही कहां करें। राम का तो कोई दोष है नहीं, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों? दोष है जो है रामचंद्र भी राजकुमार है, रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है और निपराधी है, उसका कोई अपराध नहीं है, कोमल है निपराधी है, वनको है 14 वर्ष बहुत, 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं दासी, वनको है 14 वर्ष बहुत, तो 4 वर्ष ही काफी। महारानी तुम जाओ अपना काम करो, क्यों पूरा पन्ना का पन्ना पलट दिया तुमने, जब आई नाव किनारे पर समझा समझा कर हार गई फिर भी बहकी जाती, तुम्हारी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा है महारानी। जानती हो का मतलब अब मैं भूल गई महारानी, तुम यम कम झम कम उतार करके सीधे को भवन की ओर जाओ। को भवन जाऊंगी? हाँ को भवन। अब को भवन जा करके क्या करना है? क्या करना है? त्रियाचरित। त्रियाचरित? त्रियाचरित नहीं जानती? तू जानती मैं कितनी भोली हूँ? त्रियाचरित नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं। कितनी भोली महारानी है, कितनी भोली। ये त्रियाचरित होता क्या है? अरे तुम नहीं जानती आजकल की मेरिया ना, आजकल की मेरिया अपने अपने मरई के उमरिया में नचाती, और तुम त्रियाचरित नहीं जा रही महारानी। देखो मैं बता रही हूँ, जैसे कि तुम महाराज, मैं महारानी, मैं महाराज, अच्छा तुम महारानी, जाओ को भवन में, अब मैं आऊ मनाने के लिए, आऊ महारानी। प्रहलाद सब कर गया, यही तो सब कर गया, इस तरह नहीं करना है। कैसे करना है? चल बचपन से काम तो नहीं बन पाओ, रानी, ए रानी, रानी इस तरह से मतलब ये भी ट्रेनिंग ली है क्या तुमने? समझ गई? मैं ये ना कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। अरे मैं बहुत कुछ कर दूंगी, तुम कुछ ना कर पाओगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कर देना, ठीक है? जितना जितना बने। सुनो तुम यहीं पर रहना, देखभाल करती रहना, मैं जा रही हूँ कुंभवन की ओर। जाओ जाओ, अब किसी से बताना नहीं, दासी ने कहा है। बहु आग जाके वन में अरे लगा दीजिए, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए, पिंजरे में पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा दीजिए, आगे जाके अरे लगा दीजिए, आगे जाके उबले। देखो मेरा नाम है मंत्रा, थरथरा नहीं मंत्रा, मैंने कहा था ना